दोस्तों हम इंडियंस हैं और हम इंडियंस के अंदर मोटर बाइक्स को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है, और हो भी क्यों ना, हमारे देश इंडिया में यंगस्टर कई सारे जो हैं और सभी यंगस्टर्स का यही पैशन होता है कि उनके पास भी एक टू व्हीलर हो। और अगर टू व्हीलर में रॉयल एनफील्ड और पल्सर बाइक आ जाए फिर एंटरटेनमेंट का ग्राफ आसमान छू जाता है। तो दोस्तों कैसा रहेगा अगर आज की वीडियो में हम कंपेयर करें इंडिया की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड और बजाज पल्सर को, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा एंजॉय करने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूके ग्लाइडर। नंबर वन, इंट्रोडक्शन। रॉयल एनफील्ड एक भारतीय कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी शुरुआत 1901 में इंग्लैंड से हुई थी, क्योंकि यह पहले एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी जिसे 1994 में इंडिया ने खरीद लिया था। वहीं पल्सर भी एक भारतीय कंपनी बजाज का एक व्हीकल है। इसकी शुरुआत 1945 में इंडिया से हुई थी और बजाज का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। नंबर टू, फाउंडर्स। रॉयल एनफील्ड के फाउंडर एल्बर्ट एडाई हैं, वहीं पल्सर के फाउंडर यानी कि बजाज के फाउंडर जमनालाल बजाज हैं। नंबर थ्री, टाइप्स ऑफ मोटर बाइक्स। रॉयल एनफील्ड और बजाज के बाइक्स बुलेट और पल्सर हैं, लेकिन इन दोनों मोटर बाइक्स के 18 से भी ज्यादा अनेकों मॉडल्स मार्केट में मौजूद हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि इनके डिजाइन और स्पीड काफी अच्छी है। यही कारण है कि लोग इन दोनों बाइक्स को खरीदना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर फोर, एम्प्लॉयज। दोस्तों रॉयल एनफील्ड और पल्सर बाइक काफी ज्यादा बड़े ब्रांड्स हैं और ये वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलर हैं, और इतनी बड़ी और पॉपुलर कंपनीज को संभालने के लिए एम्प्लॉयज की अहम भूमिका होती है। 2022 में रॉयल एनफील्ड में 5000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वहीं बजाज में 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। नंबर फाइव, मार्केट शेयर। केवल मोटर बाइक्स के मामले में 2019 में पल्सर का मार्केट शेयर 28% का था, वहीं 2019 में रॉयल एनफील्ड का मार्केट शेयर 17.63% का था, जो कि अपने आप में काफी बड़ा हिस्सा था। नंबर सिक्स, रेवेन्यू। दोस्तों वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रेवेन्यू आ चुका है, जिसमें आपको पता चलेगा कि रॉयल एनफील्ड और पल्सर बाइक्स का रेवेन्यू कितना है। 2018 में रॉयल एनफील्ड का टोटल रेवेन्यू 1.2 बिलियन US डॉलर्स का था, वहीं पल्सर मोटर बाइक्स का रेवेन्यू 2018 में 3.97 बिलियन US डॉलर्स का था। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि बजाज अपने बाइक्स को आम लोगों की जरूरत के हिसाब से और उनके खर्चे के हिसाब से तैयार करता है। नंबर सेवन, रैंकिंग। इंडिया में मोटर बाइक्स के मामले में नंबर वन पर बजाज पल्सर आता है, वहीं नंबर टू पर होंडा व नंबर थ्री पर रॉयल एनफील्ड आता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी सुपर बाइक्स के दीवाने हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।